ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, টুডে উই আর গোয়িং টু স্টাডি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ইউনিট সেকেন্ড ফর ক্লাস প্লাস টু। ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ কেমিস্ট্রি which deals with electrical energy and chemical changes taking place in a redox reaction. That is how electrical energy can be used to bring about a redox reaction and how chemical energy produced in a redox reaction can be converted into electrical energy. मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रिडॉक्स रिएक्शन में होने वाले केमिकल चेंजेज के बीच में रिलेशन को स्टडी किया जाता है. मींस कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट कराने में यूज किया जा सकता है और कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. मेनली इस यूनिट के अंदर हम गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और कॉमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. यूनिट को हम 2 और 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कॉमर्शियल सेल्स यानी कि जो बैटरीज इन्वर्टर में हम जो बैटरी यूज करते हैं या टॉर्च में जो सेल यूज हो रहे हैं या जो कैलकुलेटर में वॉच में जो सेल्स यूज हो रहे हैं उन सभी के बारे में इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? It is defined as the process of decomposition of electrolyte after passing through electricity through it in its molten state or in aqueous solution. Electrolysis it is the process of decomposition of electrolyte by passing
इलेक्ट्रिसिटी थ्रो इट्स मोल्टन स्टेट और इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। और इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर उसके एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द अरेंजमेंट यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कराने के लिए जो अरेंजमेंट हम यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज शोन इन फिगर 2 electrodes, metal electrodes. One is anode, another is cathode.